मलेरिया। मलेरिया रोग एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तब उसके रक्त में मलेरिया के कीटाणु प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। लक्षण, सर्वप्रथम व्यक्ति को ज्वर होता है, बुखार आता है जो बार बार उतरता और चढ़ता है। जो मलेरिया का बुखार है वो धीरे धीरे चढ़ेगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर धीरे से चढ़ेगा, फिर धीरे से नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा बुखार होता है मलेरिया का, चढ़ेगा उतरेगा। बुखार चढ़ते समय बहुत ठंड लगती है, रोगी कांपता है, सिर दर्द होता है, कभी कभी उसका जी मिचलाता है, पित्त का बमन होता है, जी मचलाता है, उल्टी आने का मन करता है उसको। जब ज्वर उतरता है तो पसीना आता है, मलेरिया का बुखार जब नीचे उतरेगा कम होगा तो रोगी को पसीना आएगा। रोगी कमजोरी का अनुभव करता है और रक्त की बहुत कमी होती है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। मलेरिया के रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, अतिशीघ्र डॉक्टर से संपर्क कर मलेरिया की जांच करा के इलाज करवाना चाहिए। इसे भी जाने, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मलेरिया नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो जो मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है।